नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी गुस्साया बौखलाया और तिलमिलाया शख्स क्या करता है वही करता है जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है एक के बाद एक गलत फैसले जो उसके खुद के लिए ठीक नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेज़ती कराना हर उस जगह जाकर के मदद की गुहार लगाना जहां और जिसे वो अपना दोस्त समझता है लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ रही है धारा 370 और 35 से कश्मीर से भारत ने क्या हटाया ऐसा लग रहा है हमने अपने किसी राज्य अपने किसी जगह की किसी धारा को ख़त्म नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के किसी प्रदेश से किसी धारा को ख़त्म कर दिया है ऐसा तिल मिलाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के सामने जब उसने रोए आगिर गिड़ाया तो अमेरिका ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया कि हम इस मामले में टांग नहीं अड़ाने वाले हैं अम्मा से तो निराशा मिली है पाकिस्तान को अपने सो कॉल्ड अब्बा चीन के पास अब पहुंच चुका है पाकिस्तान आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मसले के ऊपर कश्मीर के ऊपर अभी तक चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है हाँ लद्दाख को टेरिटरी बनाए जाने के ऊपर जरूर उनकी प्रतिक्रिया आई है लेकिन कश्मीर मसले के ऊपर अभी तक चीन खामोश है अब पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ सब तो होते नहीं हैं मैं आपको बताऊँ कि चीन की यही खामोशी पाकिस्तान को अखर रही है और उनके जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी वो तीन दिन की अपनी यात्रा पर चीन पहुंच चुके हैं वहाँ पहुंचने के बाद कुरैशी साहब मुलाकात करेंगे चीनी विदेश मंत्री वाई यी से और दरख्वास्त करेंगे कि हर मसले पर तो आप हमारी मदद करते हैं कश्मीर जैसे मसले पर आप अभी तक खामोश क्यों हैं क्या अपडेट आता है और क्या चीन इस बारे में कुछ कहता है आगे हम आपको बताएंगे लेकिन पाकिस्तान को ये सलाह है ये नसीहत है कि लड़ाई करने के पहले अपनी हैसियत चेक कर लेना जरूरी है कहीं ये लड़ाई जो वो इंडिया के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं शेर और मेमने जैसी लड़ाई ना साबित हो जाए अब खुद को शेर और पाकिस्तान को मेमना मैं क्यों कह रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ क्योंकि बिना डेटा के बिना फैक्ट्स के हम बात नहीं करते हैं देखिए अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ट्वेंटी नाइन हंड्रेड बिलियन डॉलर की है मतलब लगभग दो हज़ार चौवन खरब रुपए की इकोनॉमी हमारी है अब अगर पाकिस्तान की बात कर लें इतनी सी इकोनॉमी जो उसकी है वो है 300 बिलियन डॉलर की तो कहाँ उनतीस बिलियन डॉलर और कहाँ 300 बिलियन डॉलर तो हमसे मुकाबला करने की कोशिश ना करे पाकिस्तान क्योंकि कंगाली में आटा ना गीला हो जाए पाकिस्तान की हालत वैसे ही बेहद ख़राब है उसकी जो जनता है वो दाने दाने को मोहताज हो चुकी है और एक एक रोटी के लिए तरस् अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी आप जान लीजिए मैंने पहले ही कहा बिना फैक्स के हम बात नहीं करते हैं हवा में हम तीन नहीं चलाते हैं अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर जो महंगाई दर है वो दस दशमलव तीन पाँच है सामान इतने महंगे हैं कि लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो रहा है और ये जो व्यापार उसने बंद किया है भारत के साथ जानकार ऐसा कह रहे हैं कि इसके बाद वहाँ की महंगाई दर 11 पर पहुँच सकती है मतलब जो चीज़ें अभी नसीब हो रही हैं हो सकता है इन फ्यूचर वो भी मिलना बंद हो जाए तो ये व्यापार बंद करके दरअसल इमरान खान ने अपने ही पैर पर कोढ़ाड़ी मार ली है और आगे चल करके ये उनके लिए और नुकसानदेह हो सकता है और वैसे भी इंडिया तो शुरू से ही कहता है कि बाप बाप होता है और पाकिस्तान हमारी बराबरी कर नहीं सकता है अब ये बाप वाला शब्द और शेर और मेमने वाला शब्द अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो एक और सटीक शब्द है मेरे पास बबिता फोगाट आप जानते ही होंगे ट्वीट किया है उन्होंने पटखनी देने का काम तो वो बाकियों को करती हैं पाकिस्तान को भी ट्वीट के जरिए उन्होंने पटखनी दिया बबिता फोगाट ने ये लिखा है कि एक और बड़ी खबर पंचर वाले ने एम के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए अब इसमें पंचर वाला वो किसे कह रही हैं पाकिस्तानी जरूर समझ गए होंगे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए जो आपकी राय है वो जरूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन दबाना ना भूलें